देश की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है ढाई दिन का झोंपड़ा। इसके पीछे कई सारे विवाद माने जाते हैं। माना जाता है कि इस खूबसूरत मस्जिद के निर्माण में सिर्फ ढाई दिन लगे थे। क्या है इस मस्जिद के पीछे का रोचक इतिहास, क्या है ढाई दिन के झोंपड़े की कहानी, आज जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। राजस्थान के अजमेर में स्थित ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद लगभग 800 साल पुरानी है। इसके पीछे काफी लंबा और विवादित इतिहास माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पहले ये काफी विशालकाय संस्कृत का कॉलेज हुआ करता था, जहां संस्कृत में ही सारी आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। ये 1192 ईस्वी की बात है। इस दौर में अफगान शासक मोहम्मद गोरी ने देश पर हमला किया और घुसते हुए यहाँ आ निकला। उसी के आदेश पर सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत कॉलेज को हटाकर उसकी जगह मस्जिद बनवा दी। बाद के कई सालों में शमसुद्दीन ने इस मस्जिद का सौंदर्यकरण करवाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शमसुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह था। 1213 ईस्वी में मस्जिद का पूर्ण निर्माण हुआ और इसकी तस्वीर बदल गई। हालांकि अब भी ढाई दिन का झोंपड़ा इसका संस्कृत से जुड़े होने का अवशेष मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अब भी इसके मुख्य द्वार की बाईं तरफ संगमरमर का बना हुआ शिलालेख भी है, जिस पर संस्कृत में उस कॉलेज का जिक्र है। ढाई दिन के झोंपड़े के पीछे काफी लंबी कहानी मानी जाती है। माना जाता है कि तब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अजमेर से गुजर रहा था। इसी दौरान उसे वास्तु के लिहाज से बेहद उम्दा धर्मस्थल नजर आया। गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इसमें से सबसे सुंदर स्थल पर मस्जिद बनवा दी जाए। गोरी ने इसके लिए 60 घंटे यानी ढाई दिन का वक्त दिया था। गोरी के दौरान हेरात के वास्तुविद अबू बकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था, जिस पर कामगारों ने लगभग 60 घंटों तक लगातार बिना रुके काम किया और मस्जिद तैयार कर दी। अब ढाई दिन में पूरी इमारत तोड़कर खड़ी करना आसान तो नहीं था, इसलिए मस्जिद बनवाने के काम में लगे कामगारों ने इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया ताकि वहां नमाज पढ़ी जा सके। मस्जिद के मुख्य मेहराब पर उकेरे साल से पता चलता है कि मस्जिद अप्रैल 1199 ईस्वी में बन चुकी थी। उस लिहाज से ये देश की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। वैसे ढाई दिन का झोंपड़ा इसके नाम के पीछे दूसरा तर्क भी है। जैसे सूफी मतानुसार ये इंसान की नश्वरता को बताता है कि कोई भी इंसान अमर होकर नहीं आया और ढाई दिन में ही चला जाएगा, इसलिए अच्छे काम करने चाहिए। शिक्षाविद और इतिहासकार हरिविलास सारदा का मानना था कि इतिहास में इस नाम का कभी भी कोई जिक्र नहीं मिलता था, बल्कि इसे फकीरों की वजह से ढाई दिन का झोंपड़ा कहना शुरू किया गया। बहुत सालों तक अजमेर में ये अकेली मस्जिद थी। बाद में 18वीं सदी में फकीर यहाँ उर्स के लिए इकट्ठा होने लगे। ये लगभग ढाई दिनों तक चलता था। इसी वक्त से मस्जिद को ये नाम मिला। विग्रह राजा चतुर्थ के दौरान बनाया गया ये कॉलेज वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण था। ये चौकोर था जिसके हर किनारों पर डोम के आकार की छतरी बनी हुई थी। वैसे इस इमारत के इतिहास के बारे में अलग अलग जानकारियां हैं। जैसे जैन धर्म को मानने वालों का कहना है कि सेठ विराम देवा काला ने 660 ईस्वी में जैन उत्सव पंच कल्याणक मनाने के लिए इस जैन तीर्थ की तरह तैयार किया था। ब्रिटिश काल के दौरान एचोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, जो कि पहले ब्रिटिश आर्मी के मुख्य इंजीनियर रह चुके थे, उनके मुताबिक मस्जिद में लगे हुए मेहराब ध्वस्त किए गए मंदिरों से लिए गए होंगे। वहां ऐसे लगभग 700 मेहराब मिलते हैं जिन पर हिंदू धर्म की झलक है। बाद के कई सालों में ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद लोगों की नजरों से हटी रही। ब्रिटिश काल के ओरिएंटल स्कॉलर जेम्स टोल्ड ने साल 1891 में मस्जिद का दौर किया। इस मस्जिद का जिक्र उसकी किताब एनलेस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में है। जेम्स के मुताबिक ये सबसे प्राचीन इमारत रही होगी। साल 1875 से लेकर अगले एक साल तक इसके आसपास पुरातात्विक जानकारी के लिए खुदाई चली। इस दौरान कई ऐसी चीजें मिली जिसका संबंध संस्कृत और हिंदू धर्म शास्त्र से है। इन्हें अजमेर के म्यूजियम में रखा गया है। फिलहाल इस मस्जिद को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना माना जाता है। इसे देखने के लिए देश विदेश के सैलानी आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही ऐतिहासिक रोचक तथ्यों से भरी वीडियो लाता रहता हूँ।
अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।